युवा जोश है, युवा जोश जब तक सामने नहीं आएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। युवा जो है, जितना भी यूथ है इंडिया का, उसको आगे आना ही पड़ेगा, तभी ये देश जो है आगे चल पाए। मैं रजनीकांत से तो नहीं मैं कहूंगा, बट हाँ मैं रतन टाटा जी से इंस्पायर हूँ, तो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। COVID-19 के इस पेंडेमिक के बीच में जहाँ डॉक्टर्स पैरामेडिक्स जो कुछ उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में एडमिशन के फिगर्स में कमी आना शुरू हो गई है। एडमिशन के फिगरों का कम आना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि लॉकडाउन काम कर रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचकर COVID-19 के वायरस को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजिस्टों का कहना है कि फास्ट स्प्रेडिंग और बहुत भयानक वायरस है। डरा देने वाली बात है, डरिएगा मत, इतना भयानक नहीं है, क्योंकि पीपल्स हार्ट फाउंडेशन, ये सारे यंगस्टर्स, यानी हमारा आने वाला कल भाई साहब फोन पे लगे हुए थे, फोन भी छोड़ दिया, तो इन्होंने आज यहाँ सैनिटेशन ड्राइव किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। आइए गपशप लगाते हैं इनके साथ। सबसे पहले पीपल्स हार्ट फाउंडेशन, आपका नाम? मेरा नाम विकास पंडित है, पीपल्स हार्ट फाउंडेशन का डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। विकास जी, डर नहीं लग रहा, इतना खतरनाक वायरस है? सर डर किस चीज़ का, जब प्रिकॉशंस लिए हैं तो फिर डर किस चीज़ का? अगर डॉक्टर्स भी यही बोलेंगे कि वायरस है हमें डर लग रहा है, तो फिर हमारी जाने बचाएगा कौन? पुलिस वाले किया आज आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? जी आज जो हमारे यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी थी, सैनिटाइजेशन ड्राइव था। आपको मालूम है कि जैसे जो पेंडेमिक है इसमें सभी का हाल जो है बुरा हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने एंड से अपने एफर्ट्स कर रही है, तो जो मेडिकल की टीम है या हेल्थ वर्कर्स हैं या जो सैनिटाइजेशन वाले वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी बर्डन पड़ा है। तो एज ए टीम आज हमने पीपल्स हार्ट फाउंडेशन ने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी कि जितने भी पब्लिक एरियाज हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं सिटिंग एरिया है, जहाँ अटेंडेंट्स खाना खाते हैं, या कैफेटेरिया है, पार्किंग वाला एरिया है, यहाँ पे सैनिटाइजेशन कितनी बार आप करोगे, हॉस्पिटल वाले कितनी बार करेंगे, तो इसके लिए हमने आज एक एक्टिविटी की जहाँ पे भी ये पब्लिक एरियाज है यहाँ पे हमने अपने एंड से सैनिटाइजेशन की, क्योंकि अंदर वार्ड्स के अंदर तो होती रहती है और जो अटेंडेंट्स है ये वार्ड के अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं, तो उस कारण जो है ये हाईली चांसेस है कि वायरस जो है बाहर से अंदर भी आ सकता है, क्योंकि अंदर कोविड पेशेंट्स तो हैं, जो अटेंडेंस है उनके कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर जा रहा है, रेगुलर टेस्ट तो कर नहीं रहे। तो आज हमारी टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे सैनिटाइजेशन ड्राइव किया, जितने भी पब्लिक एरियाज थे यहाँ पे हमने सैनिटाइजेशन किया। इवन अभी हम ब्लड बैंक भी गए थे, क्योंकि हम यंगस्टर्स हैं, ब्लड डोनेट करते रहते हैं, तो हम ब्लड बैंक को भूल नहीं सकते, तो ब्लड बैंक में भी हम अभी सैनिटाइजेशन करके आए हैं। अच्छा, आपको शक था आपके यंग होने पे, कोई जॉब ने इस पर एम्फेसिस देकर कहा हम यंगस्टर्स हैं? युवा जोश है, युवा जोश जब तक सामने नहीं आएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। युवा जो है, जितना भी यूथ है इंडिया का, उसको आगे आना ही पड़ेगा, तभी ये देश जो है आगे चल पाएगा। ये मेरे साथ एक और भाई साहब हैं, इन्होंने शील्ड के अंदर भी अनक डाली, इसमें क्या राज है? बेसिकली जब मैं गाड़ी से, मेरा नाम डॉक्टर रोहित कॉल है, मैं पीपल्स हार्ट फाउंडेशन का फाउंडर डायरेक्टर एंड सीईओ हूं, जानता हूं। तो बेसिकली क्या है, अनक लगाने का ये था कि जब मैं गाड़ी से अपना उतरा तो इतनी जल्दी में, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा, रजनीकांत से इंस्पायर? नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली मैं उतारना भूल गया। रजनीकांत से इंस्पायर नहीं है आप? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल, मैं सुन लिया तो मैं रजनीकांत से तो नहीं मैं कहूंगा, बट हाँ मैं रतन टाटा जी से इंस्पायर हूँ, तो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, डर या खौफ नहीं था जब आप अंदर वार्ड्स के थे? देखिए, कहीं ना कहीं डर और खौफ हर किसी को, जैसे कहा जाता है, आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स में भी कहा जाता है डर के आगे जीत है। हाँ। तो अगर हम लोग ही, हम जैसे युवा नौजवान, जैसे आपने कहा कि युवा पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया, विवेकानंद जी का भी ये कहना है कि अगर आप युवा जोश, अगर आपके साथ अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने किसी भी नेशन में लानी है, युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो एक युवा जोश है, डर जरूर लगता है, बट प्रिकॉशंस के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी को सर्व करना ही हमारा पर्पस है। जी अच्छा, मुझे बताएं, बहुत सारे लोग, ये देखिए जी, ये यंगस्टर्स हैं सारे के सारे, कोई ये न कहे बुजुर्ग है इनमें, ये देख लें, ये सारे यंगस्टर्स हैं और ये आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। थोड़ा सा कोशिश मेरी तरफ से ये थी कि बहुत स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस के बीच में लोगों को थोड़ा सा आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर हंसने का मौका मिले, थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिले। रोहित जी, बहुत बहुत मुबारक पीपल्स हार्ट फाउंडेशन को कि आप लोगों ने आज यहाँ सैनिटेशन ड्राइव किया है, और इस वीडियो के बीच में उस सैनिटेशन ड्राइव की वीडियोस भी होंगी, वो आपने देखनी है और इंस्पायर होना है, और ये नहीं कि इन्होंने किया तो हम नहीं करेंगे, ये कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा। जुनैद जी, जाते जाते आपके चैनल के माध्यम से मैं एक युवाओं को और जितने भी लोग हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम पिछले 2-3 महीने से कॉन्टिन्यूसली हमारी ड्राइव चल रही है जहाँ पे हम कोविड पेशेंट्स को लगातार घर जाके और वार्डों में खाना डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट है, जितने भी TSL के व्यूअर्स आप लोगों को, हम लोगों को देख रहे हैं,
आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका खाना, आपको खाना चाहिए, मेडिसिंस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर्स की भी जरूरत है, पीपल्स हेड फाउंडेशन की टीम आपके साथ खड़ी है। आप हमारे मोबाइल नंबर 9906900227 और मोबाइल नंबर 8830380903 आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपके साथ शाना बशाना खड़ी। ये आपने पीपल्स हार्ट फाउंडेशन के इन वॉलंटियर्स को देखा, आज उन्होंने सैनिटेशन ड्राइव की है और ये अन्य इसके साथ बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर भी ये लोग एक्टिव होंगे। मैंने इसीलिए आपको पीपल्स हार्ट फाउंडेशन का नाम और पूरा इनका जो इनका ये आपका लोगो लोगो है, लोगो भी आपको दिखा दिया, अब लोगो देख लीजिए। ये रोहित हैं पीपल्स हार्ट फाउंडेशन के और यही वजह है कि बाकी दुनिया जिसके पास बहुत सारा साजो सामान है वो कोविड 19 से लड़के हार गई और हम जितना कुछ हमारे पास है उसके साथ कोविड 19 की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं।